अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना यह बड़ा, कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो। ये देखिएगा शिवपुराण, वही शिवपुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, ये काल सदा सदा शिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा करा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जिसे कह रहे हैं उनके पिता काल, अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना यह बड़ा, कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो। तुमने जो अपने को अज्ञान से अपने को ईश माना यह बड़ा अद्भुत हुआ, उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं, मैं ही परब्रह्म हूँ ये काल कह रहा है, और मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदिक ही मेरा कृत्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म के सब समता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, ये काल बोल रहा है, मैं इस सब का ईश हूँ, 21 ब्रह्मांड जो इसके अंतर्गत हैं उनका कहता मैं स्वामी हूँ, और यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। आगे देखो 18 पृष्ठ पे, ये देखिए 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 शुरू हो रहा है 18 पृष्ठ पे, यहाँ ये 18वां अध्याय यहाँ पर है, ये 9वां अध्याय था, यहाँ 10वां समाप्त हुआ, ये 9वां समाप्त हो गया और यहाँ से 10वां शुरू हो रहा है, ये यहाँ की। अब ये काल कहता है, हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति और पालन का कहते विभाग मैंने दिया है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, इससे सिद्ध हो गया कि ये जो प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ये काल रूपी ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी विष्णु जी और रुद्र और ये महेश इससे अलग हैं। कहते हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। आगे और देखिएगा, ये ब्रह्म है, ये सदा शिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, और ये कहता मेरा ओम मंत्र है, ये देखिएगा श्री शिव पुराण वही चल रही है, ये देखिएगा ये वही शिव पुराण, यानी खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से ये प्रकाशित है, ये देखिएगा इसके प्रश्न शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 19 पर, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, यहाँ देखना आगे हम पढ़ रहे हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक
मंत्र जप करो, उनको शिक्षा दे रहा है काल अपने पुत्रों को। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके श्रवण से मेरा श्रवण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह स्पष्ट हो गया, ओम एक अक्षर। श्री मद भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुनों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं, 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी सातवां स्कंद है और 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परंपरा पे है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सोमे उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर बेधन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा
ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। इसका सीधा अर्थ है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे। उसको पा जाओगे ओम नाम का जाप कर ध्यान दो और उस ब्रह्म को जो उस पार ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है या ब्रह्म लोक चले जाओगे? इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मो ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके, ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्वज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ, इस दास के पास आओ। अब आपको ये स्पष्ट करते हैं कि ये काल अर्थात ये ब्रह्म किस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करता है, इसका विधान बताते हैं। श्री विष्णु पुराण इस समस्या का समाधान करेगा। देखिएगा, एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। अब जैसा कि आपको शिवपुराण में दिखाया, श्री शिवपुराण में आपने देखा, ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। इसका अटल अनुतम विधान है, घटिया विधान है इसका, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है। तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तुम श्री कृष्ण को ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त को कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये है तो साकार परंतु अपने वहाँ छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम विधान है, अविनाशी अनुतम, अनुतमन घटिया, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है।